दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इंडियन आर्मी के ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं है। ये ड्रोन आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही बनाए गए हैं। दोस्तों, आज के समय में जहां अमेरिका और चीन जैसे देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ना भी जरूरी है। ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, रेस्क्यू ऑपरेशन, इमरजेंसी मैनेजमेंट, आर्कियोलॉजिकल इंस्पेक्शन, क्रॉप सर्वेलेंस, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कंस्ट्रक्शन में ही नहीं होता बल्कि सिक्योरिटी के साथ साथ कई और फील्ड में भी होता है। हाल ही में चल रहे रशिया और यूक्रेन वॉर में ड्रोन के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। सबने देखा कि किस तरह एक देश दूसरे देश को ड्रोन का इस्तेमाल कर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। भारत की सीमा पर भी आए दिन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन मार गिराए जाते हैं। दुश्मन देशों द्वारा भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से एंट्री ड्रोन सिस्टम भी विकसित करना जरूरी हो गया है। दोस्तों, भारत भी अब नए तरीके के ड्रोन को विकसित करने में पूरी तरीके से लग गया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो या सर्वेलेंस ड्रोन, दोनों ही तरीके के ड्रोनों का डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे ड्रोन किस प्रकार दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। एक ड्रोन दुश्मन का न केवल पता लगा सकता है बल्कि उसे बर्बाद भी कर सकता है। भारत में नए नए एडवांस ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं, जिससे सेना की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा और दुश्मन भी आंख उठाने से डरेगा। आप अब जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वे एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये किस प्रकार के ड्रोन को मार गिरा सकता है, ये आप देख ही सकते हैं। ये एंटी ड्रोन सिस्टम पूर्ण तरीके से मेड इन इंडिया है। इसका मतलब इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।